नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 4K Tech में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से YouTube के जो YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी होती है या फिर नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक लाइब्रेरी होती है उसको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मनपसंद म्यूजिक को अपने वीडियोज़ के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी और आपको अपने डिस्क्रिप्शन में उनके लिए क्या देना पड़ता है, क्या उनका किसी प्रकार का आपको पे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, इस वीडियो में सारी चीज़ें जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर। अब तक आप समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में जो है जानने वाले हैं कि नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक अपने बैकग्राउंड में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ चैनल्स देख रहे होंगे, इनके आपको देख सकते हैं कि हमने स्क्रीन रिकॉर्ड आपके लिए शेयर किया है। और यहाँ से आप किसी भी चैनल्स के जो आपको दिख रहे हैं उनमें से अगर किसी भी वीडियोस को आप यूज़ करते हैं उसके म्यूज़िक को अपने वीडियोस में, तो किसी भी प्रकार का आपको कॉपीराइट जो है नहीं आएगा। यहाँ से आप जितने भी आप देखेंगे ये ऊपर करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जितने भी म्यूजिक्स आप हैं इस लिरिक में मतलब इस प्लेलिस्ट के हिसाब से आप देख रहे हैं या फिर किसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जो कॉपीराइटेड है वो नहीं आएगा। बस हर एक है कि आपको इनका जो लिंक है मतलब इस वीडियोज़ का लिंक है, जिस भी वीडियोज़ को आप यूज़ करना चाहते हैं, जिस भी वीडियोज़ के म्यूज़िक को आप यूज़ करना चाहते हैं, बस उसका जो म्यूज़िक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अपने में देना होगा ताकि उनको आपको क्रेडिट मिल सके। कहने का मतलब है कि आपको वीडियो का क्रेडिट देना होगा म्यूज़िक बाय, ये म्यूज़िक हमने इस चैनल से या फिर इस जगह से जो है पर्टिकुलर डाउनलोड किया है और ये यहाँ पर मौजूद है। आइए आपको कैसे करना होगा, आपको यही वीडियोस जो आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको एक चैनल्स का कोई भी एक म्यूज़िक जो है बैकग्राउंड में लगा के दिखा दूँगा और उस पर जो क्रेडिट है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको जो भी वीडियोस यहाँ पर पसंद आता है या फिर जिस भी वीडियोस का म्यूज़िक आपको पसंद आता है तो सिंपली आपको उस वीडियोस को कर लेना है डाउनलोड और आपने जो भी वीडियोस बनाया है उस वीडियो के बैकग्राउंड में आपको पुट कर देना है। अब आपको लोगों को बहुत सारी चीज़ें लग रही होंगी कि ये तो वीडियोस डाउनलोड होगा तो हम जो है ऑडियो कहाँ से निकाल पाएंगे, तो आप यूट्यूब से ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप जो भी वीडियो एडिटर यूज कर रहे हैं उससे आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर जिस पर हम ये जानेंगे कि आप किसी भी म्यूज़िक को जैसे कोई भी बॉलीवुड का सॉन्ग हो गया या कोई भोजपुरी सॉन्ग है या फिर कोई हरियाणवी सॉन्ग एक्स वाई जेड कोई भी म्यूज़िक है उसको आप कितना यूज कर सकते हैं, कब तक यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है देखिए, बेसिकली अगर आप किसी एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी सॉन्ग्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी थीम्स को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा सॉन्ग्स जो है उठाया और पुट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आपका वीडियो 10 मिनट का है या फिर आपका वीडियो 5 मिनट का है तो उसके हिसाब से आप 10 से 15 सेकेंड मैक्सिमम आप जो है 15 सेकेंड से ज़्यादा किसी का भी म्यूज़िक यूज नहीं कर सकते। आप 5, 6, 7, 10 सेकेंड तक मैक्सिमम यूज़ कीजिएगा तो आपको ना तो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और ना ही जो है आपको किसी भी प्रकार का कंटेंट आईडी क्लेम आएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के लिए जिसमें हम जानेंगे कि आपने सबसे पहले चीज़ की अगर कोई भी सॉन्ग्स को यूज कर रखा है तो क्या आप उसके लिए जो है अब आपके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है देखिए, अगर आपने डिस्क्रिप्शन में या कहीं पर भी जिस भी बंदे का म्यूज़िक यूज़ किया है अगर उसको क्रेडिट नहीं दिया है तो मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कभी नहीं मिलेगा, अगर आपने जो है उनको क्रेडिट दे रखा है फिर भी उसके बाद भी अगर किसी ऐसे म्यूज़िक से जो है आपको कॉपीराइट लग जाता है तो टेंशन ना लीजिएगा, वो कॉपीराइट हट जाएगा क्योंकि आप यूट्यूब को ये बता सकते हैं कि ये जो म्यूज़िक था वो जो है यहाँ से हमने लिया था और यहाँ पर ये जो है नॉन कॉपीराइटेड के लिए अलाउ था इसलिए जो है यूज़ किया गया था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि उस बंदे ने उस म्यूज़िक के लिए बाद में अगर ऐसा कर दिया है कि उसको नॉन कॉपीराइटेड जो है हटा दिया है तब आपको थोड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन जिस टाइम आपने इसको यूज़ किया था उस टाइम अगर वो नॉन कॉपीराइटेड है तो कोई बात नहीं है। तो इसीलिए ये जो सॉन्ग्स हैं उनको चूज करते समय या फिर जो म्यूज़िक है उसको चूज करते समय ऐसा म्यूज़िक ही इस्तेमाल करें जो कि पूरा का पूरा चैनल एक प्रकार से जो है नॉन कॉपीराइटेड हो, तो वहाँ पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। किसी पर्टिकुलर बंदे ने एक म्यूज़िक या फिर एक सॉन्ग्स जो है अगर ऐसा किया है कि उसने एक सिंगल सॉन्ग्स के लिए या फिर सिंगल किसी म्यूज़िक के लिए नॉन कॉपीराइटेड अलाउ कर रखा है और आपने वही सॉन्ग जो है अपने वीडियोज़ के अंदर यूज़ करी तो उस पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक बाद में पड़ सकता है,
तो इस बात की ध्यान रखें कि आप जो भी म्यूजिक यूज करते हैं उसको ऐसा म्यूजिक यूज करें कि वो जो है ज़्यादातर उसके चैनल्स पर ऐसे म्यूजिक पड़े हों। उम्मीद करता हूँ कि फाइनली आपको ये समझ आ गया होगा कि YouTube से जो नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक होता है उसको यूज़ करने के लिए क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ एक शॉर्ट में समझ लीजिए फिर से कि सब जो भी आप सॉन्ग्स यूज़ करते हैं उसका क्रेडिट देना ना भूलें, और साथ ही अगर आप ऐसा कोई म्यूज़िक यूज़ करते हैं जो कि नॉन कॉपीराइटेड नहीं है फिर भी आप यूज़ करते हैं तो उसे मिनिमम यूज़ कीजिएगा, अपनी वीडियो के लेंथ के हिसाब से कीजिएगा, और फिर भी आप 10 सेकंड से ज़्यादा उसे यूज़ मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।